Hello friends, this is Raj. Welcome to Fitness Hotstar. फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बैक पेन पर है, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैंने एक पेन रिलीफ के लिए एक्सरसाइज भी मेंशन की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है. और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ये बिल्कुल फ्री है. फ्रेंड्स, बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसे मोस्टली लोग कभी ना कभी सफ़र करते ही हैं. और फ्रेंड्स, ये आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफ को अफेक्ट कर देता है. और फ्रेंड्स, कुछ लोगों की तो लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है. फ्रेंड्स, अब होता ये है कि जब भी आपको बैक पेन होता है तो आप बिना इसका पता लगाए पेन रिलीफ की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं. इवन कुछ डॉक्टर्स तो अपने पेशेंट्स को पेन रिलीफ की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मेडिसिन आपका पेन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही रिलीफ करती हैं, उसके बाद आपको फिर से बैक पेन होने लग जाता है. फ्रेंड्स, बैक पेन कई डिफरेंट टाइप्स का होता है और अलग अलग रीजन से होता है. एक्चुअली हमारी बैक में 32 वर्टिबे होती हैं, जिनमें से 22 मूव करती हैं. अगर इनकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती है या ठीक से नहीं होती है तो हमें बैक पेन होने लगता है. और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपका बैक पेन किस टाइप का है. जैसा कि आप यहाँ पर कॉमन टाइप्स ऑफ बैक पेन देख सकते हैं, और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर आपको टिप्स और एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, वो आपके बैक पेन को काफ़ी हद तक ठीक कर देगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उन टिप्स को. फ्रेंड्स, जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है अप्लाई हीट. फ्रेंड्स, अगर आपको बैक में मसल से रिलेटेड पेन है या कोई ऐसा पेन है जिससे आपको किसी इंजरी से नहीं हुआ हो, तो आप उस कंडीशन में अपने बैक पे हीट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके मसल काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे और आपके मसल्स की टेंशन भी कम हो जाएगी. फ्रेंड्स, इसके लिए आप किसी प्लेन बॉटल में गर्म पानी भर के या गर्म पानी में टॉवल को सोक करके बैक पे मसाज कर सकते हैं. इसके अलावा आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपका बैक पेन रिलीफ हो जाएगा. फ्रेंड्स, जो मेरी सेकेंड टिप है वो है अप्लाई कोल्ड. फ्रेंड्स, अगर आपको बैक में बोन से रिलेटेड पेन है तो उसके लिए आप अपनी बैक में कोल्ड मसाज कर सकते हैं, जिससे आपकी बैक में हो रही स्वेलिंग और जलन कम हो जाएगी. फ्रेंड्स, इसके लिए भी आप किसी बॉटल में ठंडा पानी भर के या ठंडे पानी में टॉवल को सोक करके अपनी बैक पे मसाज कर सकते हैं. तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो है सिट स्ट्रेट. फ्रेंड्स, मोस्टली लोग अपने वर्क प्लेस पर प्रॉपरली नहीं बैठते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉरवर्ड होके बैठते हैं, जिससे उनकी बैक में स्ट्रेस आता है और उनको बैक पेन से सफ़र करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी लॉन्ग टाइम तक बैठने वक्त ध्यान में रखना है कि आपकी लोअर बैक हमेशा सपोर्ट में होनी चाहिए. और फ्रेंड्स, आपको लॉन्ग टाइम तक फॉरवर्ड होके नहीं बैठना है. और फ्रेंड्स, जितना हो सके आप बीच में गैप लेते रहें. तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 4 की, जो है स्लीप प्रॉपरली. फ्रेंड्स, स्लीप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप ऑलरेडी बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप जरूर लेनी है. और फ्रेंड्स, जितना हो सके आप किसी अच्छे मैट्रेस पर सोएं जो आपके लिए पूरी तरह कंफर्टेबल हो. लेकिन फ्रेंड्स, याद रहे आपको कभी भी उल्टा होकर नहीं सोना है. और अगर आप सीधे होकर सो रहे हैं और आपको ऑलरेडी बैक पेन है, तो आप अपनी नीज के नीचे एक पिलो रख लें या कोई कुशन रख लें. और फ्रेंड्स, अगर आप साइड में होकर सोते हैं तो आप अपनी नीज के बीच में कोई कुशन या पिल्लो रख लें, जिससे आपका स्लीपिंग पोस्चर इम्प्रूव होगा और आपको बैक पेन में कई हद तक रिलीफ मिलेगा. तो चलिए बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो है लिफ्ट प्रॉपरली. फ्रेंड्स, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसमें इनकरेक्ट लिफ्टिंग करते हैं तो उससे आपकी बैक पर एडिशनल प्रेशर आता है, जिससे आपको बैक प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है. सो फ्रेंड्स, कुछ भी लिफ्ट करते टाइम आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखें, और नीचे बैंड होते टाइम आप सिर्फ अपनी नीज को ही बैंड करें, जिससे आपको कभी बैक प्रॉब्लम नहीं होगी. फ्रेंड्स, मोस्टली केसेस में बैक प्रॉब्लम इनकरेक्ट लिफ्टिंग से ही होती है. फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रखने के लिए कुछ एरोबिक एक्सरसाइज भी प्रेफर कर सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऑलरेडी इंजरी है या आप बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइजेस को अवॉइड करें या पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें. तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपको काफ़ी हद तक बैक में रिलीफ मिलेगा. और फ्रेंड्स, अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आपको कभी बैक पेन नहीं होगा.
फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आप डे में दो बार कर सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको ये एक्सरसाइज खाली पेट ही करनी है। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड।